नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रतन दिवाई चैनल से, और लीजिए आप लोगों के लिए आज एक और बहुत प्यारा सा लेसन, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का गाया हुआ ये गाना, आवारापन बंजारापन, के साहब का गाया हुआ गाना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। तो आज इस गाने पर मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा, और जैसा भी आता है मुझे वैसा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समझें, सीखें और बजाएं। और कुछ जैसे मैंने अभी कुछ सॉन्ग्स बजाने शुरू किए हैं, बताने शुरू किए हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में ये एक और सॉन्ग आपके लिए, और इसमें भी मैं कोशिश करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग रिफ बजाया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि किस अप्रोच के साथ में या कैसा मैं सोच रहा हूँ, और वैसे मैं करके अगर मैं खुद अपना सोलो क्रिएट करना चाहूँ तो उसमें क्या बजाना चाहिए, किस तरीके से बजाना चाहिए, या क्या आइडियाज होने चाहिए, कौन से टारगेट नोट होने चाहिए, कहाँ पे लैंड करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर कोशिश करूंगा बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी माइनर बेस गाना है, और डी माइनर स्केल के लिए नोट्स आप डी ई एफ जी ए बी फ्लैट सी और डी हम यहां जा रहे हैं, और डी हार्मोनिक माइनर स्टेंजा में बना था तो इसलिए सी शार्प नोट हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और बाकी डी माइनर बेस है तो आराम से हम बजा सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि डी माइनर रिलेटिव है एफ मेजर स्केल का तो एफ मेजर का कॉर्ड भी लगेगा, साथ ही साथ किसी जगह पर आप चाहें तो इसका रूट भी जो है वो एफ कर सकते हैं अगर आप सोलो इम्प्रोवाइज करेंगे जिस टाइम, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इस चीज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले गाना देख लेते हैं। गाना शुरू होता है एफ नोट से, बहुत सिंपल गाना है और बहुत छोटा सा गाना है, एफ ई डी और बी फ्लैट ये नोट है। आप चाहें तो यहां पर स्लाइड भी कर सकते थे, ये अच्छा लगता है, और यहीं से शुरू करें बी फ्लैट सी डी और ए, फिर उसके बाद में तीन बार बजाया मैंने एफ, फिर उसके बाद डी सी और बी फ्लैट मैंने यहां पे लिया थर्ड स्ट्रिंग पे, यानी कि थर्ड स्ट्रिंग के तीन नोट डी सी और बी फ्लैट यहां तक आएंगे, तो और यहां से फिर एक और बार बी फ्लैट और सी से स्लाइड कर दिया ई के लिए, सी का स्लाइड ई, तो ये वाला ई भी जो है थर्ड स्ट्रिंग पे हमने यहां पे ले लिया। सेम पार्ट रिपीट कर दीजिए, हो गया, बस इतना सा काम है। तो ये आपका बन गया इंट्रो पार्ट इसका। उसके बाद में देखिए सिमिलर, पहले स्टेंजा कवर कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलेंगे, तो उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजों के बारे में बताऊंगा। तो स्टेंजा जो है वो ए नोट से शुरू करेंगे, फिफ्थ नोट से शुरू हो रहा है, ए बी फ्लैट ए और डबल सी ये बजाएंगे, और सेम लाइन रिपीट दोबारा दो बार, उसके बाद जी से शुरू करें जी ए जी, दो बार बी फ्लैट, फिर डी सी बी फ्लैट और डबल ए, तो ये पहली बार में हो गया ना 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 ना, और दूसरी बार जब इसी लाइन को जब हम रिपीट करेंगे तब जरा सा चेंज करना है बस आपको, ना 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 ना, ये जो दो बार आपको ये लाइन बजानी थी पहले वाली उसमें सिर्फ इतना सा चेंज करेंगे डी और सी के साथ में आए, ना 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 ना, बस इतना। आगे जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली, अपने लिए तो हार्मोनिक माइनर सी शार्प का नोट लग गया, दो बार ए ए शार्प, फिर डी सी शार्प बी फ्लैट ए और जी, और यहीं से शुरू करें जी यहां रुके थे, यहां से आएंगे
जी ए सी, बी फ्लैट, ए जी एफ और वापस पहले वाली लाइन। ये खत्म हो गया आपका, तो वापस आपने वही बजा दिया। कौन हला है, और सी बी फ्लैट सी स्लाइड ई और डी, ई पे खत्म हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा गाना था, आराम से बज गया। लेकिन अभी जो आपके काम की चीज इसके अंदर है वो आप देखें। अब आप सोचें कि गाना किस तरीके से चल रहा है, आप एक ट्रैक के अकॉर्डिंगली गाने को सोचें और गाने के नोट आपको पता लगे। गाने के नोट स्लो ट्रैक गाना है बिल्कुल, और गाना का दा रा रा दा रा रा रा, तो रिदम कैसी चल रही है, ऐसा पैटर्न चल रहा है। अब इस पैटर्न में और डी माइनर स्केल के नोट आपके टारगेट हैं डी एफ ए, है ना। और अगर एफ मेजर बना दें इसको, मतलब उसका रिलेटिव अगर मैं प्ले करना चाहूं तो एक नोट और एफ ए सी, हम यहां से भी सी नोट से भी, यानी कि डी को टारगेट कर सकते हैं, एफ को टारगेट कर सकते हैं, ए को टारगेट कर सकते हैं और सी को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन लैंडिंग जो है वो डी माइनर है, तो स्केल जो है वो डी माइनर, तो लास्ट अगर आप घुमा फिरा के डी पे ले आएंगे तो सोलो भी खूबसूरत बन जाएगा और कुछ मजा भी आएगा। और जैसा ट्रैक हो वैसे ट्रैक के अकॉर्डिंगली आपको अपना सोलो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब किसी का सोलो बहुत अच्छा बन सकता है, किसी का सोलो थोड़ा सा अच्छा नहीं है या कम अच्छा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, तो छोटे 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 लाइन्स बनाने से आपको चीजें मिलनी शुरू होती हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि हम जो बजा रहे हैं, मैं जो बजा रहा हूं आप वही बजाएं, सिर्फ हम इसमें इतना काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ए लोअर जो है यहां से मैंने कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ट्रैक तो मुझे मिल ही रहा है, ऐसा चल रहा है, तो मैं ऐसा उसको देख रहा हूं और उसमें ऐसी बनाऊंगा, ऐसा मैंने कुछ प्ले किया। सेम लाइन में दोबारा भी रिपीट कर सकता हूं और कुछ नया भी कर सकता हूं। वो मेरी मर्जी है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, देन मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ऐसा ही बजा सकता हूं। एक मैंने हल्का सा बेंड किया ए को बी फ्लैट के लिए, एंड देन ए पर ला करके रुका थोड़ा सा, देखिए जस्ट मैंने एफ, क्योंकि मैंने कहा था ना एफ नोट ले सकते, एफ तो ले ही सकते हैं, एफ जी ए कुछ नोट्स बजाए हैं मैंने, ऐसा खत्म कर सकते हैं। कुछ और आप ऐड, देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आप स्लाइड हैमर ऑन्स पुल ऑफ्स स्लाइड बेंड, क्योंकि स्लो ट्रैक टाइप गाना है तो स्लो ट्रैक का जो गाना है उसके अंदर आप इस तरह की बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं, जो स्केल के नोट के अकॉर्डिंगली आप लगा सकते थे, तो ये सब चीजें आप बजा सकते हैं। हाँ, इधर आ जाए, तीन तीन नोट ऐसे भी बजा सकते थे, आपकी मर्जी है ना, सोलो आपका है, आप ऐसा यूज करें और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लग रहा है ये भी कर सकते थे, देन देन ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। देखिए साथ साथ आपने क्या करना है, जो आपके स्केल के नोट हैं उनको दो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, तब आपको और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आपको पता होता है कि एक्चुअली आप क्या बजाने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपने ग्रुप क्लासेस में और इंडिविजुअल क्लासेस में पढ़ाता हूं। तो हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं क्लासेस ले रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैंने एफ नोट यहां पिक किया, ये सारे नोट मेरे स्केल के थे, एफ ई डी सी बी फ्लैट ए,
यहां से आगे मूव करें ई डी सी डी फ्लैट ए जी, देन आगे चलें डी सी डी फ्लैट ए जी एफ सी डी फ्लैट ए जी एफ ई डी, ये सारे नोट। अब मैं चाहूं तो यहां पर मैं अपने सोलो को इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नोट पता, ऐसे मैं अपना सोलो, मतलब ये एक सिर्फ इस गाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारी जगहों के लिए, डी माइनर स्केल तो हमेशा के लिए तैयार हो गया ना, रिदम पैटर्न कुछ भी हो, जॉनर म्यूजिक का कुछ भी हो, आप बना सकते हैं ना उसको। ये देखिए, ऐसा घुमा फिरा के क्या क्या आइडियाज हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को खुद भी सीख सकते हैं, तो कोशिश करें, ट्राई करें, कैसा लगा लेसन कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस तरह के लेसन आप चाह रहे हैं मुझे बताइएगा, मैं एक एक करके बनाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं फ्रीक्वेंट आ गया हूं, तो अब आपको नए लेसन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए लेसन के साथ में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।